विदिशा जिले की गंज बासुदा विकास खंड के ग्राम पंचायत आटा सेमर के ग्रामवासियों ने बहुत ही अच्छी पहल की है। वहां के सरपंच भूपेंद्र सिंह दांगी ने 15 क्विंटल गेहूं एडीएम और एडीओपी को तहसील प्रांगण पहुंचकर दान स्वरूप भेंट की और सभी ग्रामवासी इस महामारी से निपटने के लिए हर तरह के तत्पर खड़े हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इस महामारी में अपना सहयोग कर रहे हैं, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हमसे जो भी बनेगा तो हम भी अपना जितना सहयोग हो सकेगा हम भी करेंगे। वहीं समाज सेवा समिति भी अपना कार्य कर रही। किसानों ने अपील की कि सभी लोग अपने घर में रहे, बाहर न निकले। यह महामारी प्रदेश भर में कहर मचाए हुए है। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपने घर में ही रहे। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। गाँव के बड़े लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, क्योंकि आजकल फसल कटाई हो रही है, लोगों के घर में अनाज पर्याप्त है, तो अगर कोई नगद नहीं दे सकता है तो मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए लोग अन्नदान के रूप में भी कुछ दान कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारी ग्राम पंचायतें कुछ ग्रामों में घूम के बड़े किसानों से बात करके अन्न कोष इकट्ठा कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत आटा सेमर में कुछ अन्न इकट्ठा किया गया है। अन्य पंचायतों में भी इस तरह की प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे समस्त ग्राम पंचायत वासियों ने कोरोना को लेकर 15 क्विंटल अन्नदान दिया है। समस्त ग्राम पंचायत वासियों ने किसानों के सहयोग से और मेरे सहयोग से एक मुहिम चलाई थी कि इससे यदि आगे कोई और समस्या बढ़ती है तो ग्राम पंचायतें जितनी 101 पंचायतें हैं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वजह से ये मुहिम चलाई थी माननीय हमारे SDM साहब के माध्यम से और हमारे जनपद अध्यक्ष जी अंजलि मनोज यादव जी के माध्यम से ये हमारे लिए प्रेरणा दी गई थी। इसलिए हमने मुहिम चला के 15 क्विंटल अन्नदान माननीय SDM साहब मौजूदगी में सुप्रतगिरी में दिया ग्राम पंचायत आटा सेमर ने समस्त ग्राम वासियों की ओर से। आटा सेमर ग्राम पंचायत के जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके द्वारा अपने सरपंच भूपेंद्र सिंह के माध्यम से 15 क्विंटल अनाज जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं और जिनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके सहयोग हेतु हमें ये अनाज प्रदान किया गया है और आज आपके सामने ये दिया गया है। जिन ज़रूरतमंदों को भी जैसी भी ज़रूरत होगी तो थाने के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।